Ah, tu kahai, ho? Teko pai. उनको देख के मामी बोल आजू मामू है वो अच्छा Hey guys, welcome back to my channel Shashvik Diaries. मैं हूँ शालू. कैसे आप लोगों पर ऑल डूइंग गुड. तो आज है सैटरडे यानी कि 21 फरवरी. और जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि इस वीकेंड हम प्लान कर रहे थे बाहर जाने का कहीं पे भी, तो आज हम आए हैं लवासा और बस हम एंटर ही किए हैं लवासा में. थोड़ी दूर आगे पहुंचे हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं और इसके बाद हम अपने होटल में चेक इन करेंगे. तो हमने यहाँ पर एक रात स्टे किया था और जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग ही वहाँ से निकल गए थे. और यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे ये लेक के पास. मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि ये कौन सा लेक था. एंड रियली इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल व्यू. ब्यूटिफुल सा पॉइंट या व्यू आप बोल सकते हो. वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम होटल की तरफ जा रहे हैं. शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट अभी 5 बज चुके हैं. एंड होटल पहुँच कर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. और उस लेक का नाम एक्चुअली लवासा लेक ही हम लोग बोलते हैं उसे. एंड वो लवासा लेक के नाम से ही फेमस है. आदु कहाँ आ गए हम लोग, बंद कर दे. हाय गाइस, सो बस अभी हम लोग जाएंगे लेक और वहीं से फिर डिनर वगैरह करके ही आएंगे. तो आए हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बाहर घूमेंगे. बेसिकली हम आदू के लिए भी आए हैं कि वो भी थोड़ा बाहर घूमेगा, उसको भी अच्छा लगेगा. और मेरे साथ हो गया आज एक बहुत बड़ा केस. आप क्या बोलूँ मैं, मेरा जो मेकअप का जो बैग था ना, किट था, मेकअप क्या मतलब, बस बेसिक जो सामान होता है ग्रूमिंग का वो था. कॉम था मेरा, क्रीम था, काजल मैं लगाती हूँ तो वो था, लिप बाम और ये सब चीज़ था, वो बैग घर ही पे रह गया पूरा का पूरा. इवन कि मेरे पास कंघी भी नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, तो सारा का सारा छूट गया. और पता है क्या, मैं इतनी जल्दी जल्दी में निकली थी घर से कि मैंने सारा कुछ तो रख लिया था, बच्चों का एंड ऑल द थिंग्स रख लिया था. बस यही था कि मैंने अपना मतलब मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं होकर आई थी. मैंने सोचा था कि होटल पहुँच के ही मैं रेडी हो जाऊँगी, बट यहाँ आकर देखा बैग खोला तो मेरा बैग ही नहीं है बिल्कुल भी. अब देखती हूँ बाहर जाके कॉम तो खरीदूंगी, ऐसे तो नहीं रहूंगी. और आप देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई है. तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है ये सब चीज़. पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा. तो और आदू को देखिए कितना मस्ती कर रहा है वो बेड पे, इधर से उधर, उधर से इधर, उछल कूद कर रहा है एंड पापा के साथ खेल रहा है. दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं. सो गाइस अभी मैं चलती हूँ क्योंकि अब लेट हो जाएगा फिर अगर मैं ज़्यादा लेट करती हूँ. तो मैं चलती हूँ एंड फिर आप लोगों को दिखाती हूँ. बाय बाय, टेक. सो ये हमारा रूम है एंड आई जस्ट ओपन इट. एंड ओपन करते के साथ ये देखो कौन है, छोटू सा बेबी. ये गो एंड सिट ऑन द चेयर आदू. गो 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 इनसाइड, गो इनसाइड, मामा इज आल्सो कमिंग. आप अंदर बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठ जाओ, वहाँ पे चेयर पे बैठो, चेयर पे. अच्छा ठीक है, आप नहीं बैठना चाहते. ओके सो दिस इज आवर रूम. आई जस्ट क्विकली जस्ट ब्रीफ इट आउट. तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा रूम जो है, ये जहाँ पे हमने स्टे किया है. एंड ये जस्ट एंट्री वाला डोर है एंड जस्ट डोर के बगल में आपका कबर्ड दिया हुआ है एंड इट्स नाइस. आप जस्ट ओपन करके मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. ऊपर में एक रैक दिया हुआ है इस पे एंड देन आफ्टर एक ये रैक है जिसमें आपका हैंगर्स वगैरह है. अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स वगैरह है तो आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हो. यहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया जो कि आदू के लिए मैंने लेके आई थी. इसमें आदू का सारा खाने पीने का जितना भी सामान है वो मैंने रखा था. नीचे वाला भी मैंने बस खाली है. एंड ये देखिए मैंने और आदू ने अपना शूज़ रख दिए हैं और आदू बस एक्सप्लोर कर रहा है पूरा कहाँ पे क्या क्या है. एंड दिस वन इज़ द सेकेंड वन. एंड इसमें भी वही ऊपर में एक जो रैक है वो कॉमन है. एंड देन आफ्टर सेकेंड वाला रैक है जिसमें आयरन रॉड मतलब आयरन तो दिया ही हुआ है एंड साथ ही साथ उसके उसका स्टैंड भी है. और ये देखिए मैंने आदू का डायपर बैग यहाँ पे रख दिया है. नीचे अभी कुछ भी नहीं है. तो आदू को बहुत मज़ा आ रहा है. लेट मी क्लोज इट. आदू कम हियर, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस. हाँ क्लोज 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 करो. हाँ सब क्लोज करो. इसको भी क्लोज करना बेटा. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप इधर आओ. चलो क्लोज. ओके
तो जस्ट कबर्ड के बगल में यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रीज के लिए दिया हुआ है जगह, बट इसमें फ्रीज है नहीं मुझे लगा फ्रीज होगा बट नहीं है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए बॉटल्स वगैरह रखे हुए थे, चाय का कुछ सामान, केटली, यहाँ पे आप देखिए ये रखा हुआ है लगेज रखने के लिए, तो हमने अपना लगेज रख दिया है, लैपटॉप में लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे काम भी करना है, रात को मैं करूँगी। और यहाँ पर टीवी है, टीवी यूनिट लगा हुआ है, एंड स्टडी टेबल, लैम्प देयर, एंड देयर इज आशूज, आशू हेलो। नहीं, क्या कर रहा हूँ? देखो 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 मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, तो इधर देखिए ये हमारा बेड है एंड उधर भी लैम्प दिया हुआ है, आप ये देखिए यहाँ पे इधर ड्रॉर्स हैं एंड मेन्यू वगैरह रखा हुआ है, दिस इज द मिरर और मैं भी आप लोगों को दिख रही हूँ, एंड दिस इज द वॉशरूम। सो वॉशरूम इज सिंपल एंड क्वाइट नीट एंड क्लीन, ये बेसिन एरिया है और इधर नहाने का दिया हुआ है आपका, बस काफ़ी क्लीन है, ये सिंपल सा है, मामा सो इट्स क्वाइट लाइक सिंपल सा रूम है। और अभी हम लोग ये देखिए आदू को, आदू बस लगे हुए हैं एक्सप्लोर करने में, और यहाँ से एक बालकनी भी दी हुई है और कर्टन्स लगे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा क्विक आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस टाइप का देखिए व्यू है यहाँ से बालकनी से, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर आदू भी बाहर आ जाएगा, सो इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल। किससे बात कर रहे हो? मामू से क्या बात कर रहे हो? पापू कहाँ आए हो? तुम बताओ, मालूम नहीं, तुम तो बोले कि वो लेक के आएंगे ना, लेक के पास जाना है ना। और ये है हमारा होटल, होटल सेलिब्रेशन, ये देखिए आउटर व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और यहाँ का सीन देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, लाइक इट्स रियली अमेजिंग। मुझे अभी याद आया कि जो मेरा किट है, जो थोड़ा मोड़ा मेकअप जो मैं करती हूँ, उस वो गाड़ी में मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे मैंने कॉम भी नहीं किया था जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, तो मैंने गाड़ी में रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि गाड़ी में ही बाल वगैरह कर लूँगी, तो अभी आ गया, थैंक गॉड है अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, तो अभी मैं ऐसे ही आ गई हूँ, अभी चलती हूँ, अभी घूम लेती हूँ, अच्छा ही है, बेयर फेस रहो ना ज़्यादा बेटर है, तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए हम बस ऐसे ही रास्ते में रुके हैं, हमारे होटल के सामने में ही है, तो इधर से लेक जाएंगे हम, बट आप सुन रहे हो चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है, जो हमारे यहाँ पे सिटी में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, बट आप जैसे ही सिटी के बाहर निकलोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये सुनिए आई लव इट, एंड ये पापा एंड बेटू, हाँ वही मैं बता रही थी अभी कि चिड़ियों की साउंड कितनी अच्छी आ रही है। चलो मैं ना है आदू, सुन रहे हो? अब हम पहुंच चुके हैं लवासा लेक, एंड ये हमारे होटल जो सेलिब्रेशन है वहां से 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, तो हम गाड़ी से ही आ गए थे यहाँ पर, और अच्छा व्यू था शाम के टाइम पे, आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफी कुछ था, व्यू अच्छा था, खाने के भी कुछ कुछ यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह थे, शॉप्स थे, बट खाना थोड़ा सा महंगा था, लाइक हमने 1 प्लेट मोमोज लिया था, तो जनरली मोमोज 50-60 रुपीज का मिल जाता है पर प्लेट आपको मार्केट्स में पुणे में, बट यहाँ पर आपको 100 रुपीज प्लेट मोमोज मुझे मिला था, बट अच्छा लगा, टाइम हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया था वहां पर।
सभी हो गया नेक्स्ट डे दैट इज 23rd फरवरी और आज है संडे। तो संडे के दिन हम सोचे कि आज अच्छे से आराम से लैविश ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो हम आ गए थे होटल के ही रेस्टोरेंट में, यहाँ पे बफेट ब्रेकफास्ट था तो वहाँ पर हम आ गए थे। एंड थोड़ा लेट हो गया था तो खाना थोड़ा ठंडा हो गया था, बट अच्छी वैरायटीज थी खाने की। एंड साउथ इंडियन था, नॉर्थ इंडियन था और फ्रूट्स थे, जूस थे और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह थे, चाय कॉफ़ी जो भी मतलब आपका ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होता है खाना, वो सारी चीज़ें थी इनके मेन्यू के हिसाब से। एंड रेट भी सही थे, लाइक 950 रुपीज़ में हम दोनों ने बफेट ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ सर निकलेंगे। What will you eat? दोसा खाना है? नहीं। तो क्या खाओगे? फिर से करना है आदू, ये फिर से करना है आदू को गाड़ी। चलो चलो बैठो 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 चलो। एक बार उसको छोड़ दो, अपने खुद से जाएगा। हाँ आ जाओ बस। और आज है संडे, यानी कि 23rd है ना आशु, आज 23rd ऑफ फरवरी। और हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर, घर जा रहे हैं और साथ ही साथ रास्ते में कुछ अगर मिला वैसा स्पॉट घूमने लायक तो घूम लेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी हो चुकी है अभी यहाँ पर। तो यही है। और कल आदू ने बहुत ज़्यादा मस्ती की शाम को, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत डांस किया, मतलब हाफ एन आवर कंटिन्यूस डांस किया। और उसके बाद भी उसको डांस करना था, वो बोल रहा था मम्मा डांस मम्मा डांस, लेकिन हमें लगा कि वो काफ़ी थक जाएगा। और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी मिल गई थी उसको छोटी सी, तो दोनों मिलकर पूरा डांस किया, सब लोग इनको देख रहे थे। तो बस हम लोगों ने वहीं पर इंजॉय किया थोड़ा सा, वो एक लेक के पास ही। और उसके बाद डिनर वगैरह किया, बाहर ही किया था हमने कल डिनर, सिंपल सा खाया था। और उसके बाद फिर हम लोग होटल वापस आ गए और इतने टायर्ड हो गए थे, आदू इतना खेल रहा था रूम में भी, बहुत खेल रहा था, फिर खेलते खेलते फिर वो भी सो गया एंड हम लोग भी सो गए। तो कल मैं बात नहीं कर पाई थी आपसे। तो चलिए फिर चलते हैं, अगर कुछ अच्छा सीन वगैरह दिखा तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग घर पहुँचेंगे। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय गाइस। बहुत ही फेमस है और ये वाला व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जस्ट अभी गाड़ी रुकी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो मुझे जहाँ भी मौका मिलता है आप लोगों से बात करने का मैं बात कर ही लेती हूँ। एंड हम लोग 10 बजे चेकआउट टाइम था वहाँ का होटल का, और हम लोग को वापस मतलब 2 बजे चेकिंग था और
सॉरी 2 बजे चेकिंग था होटल में और 10 बजे चेकआउट था। तो 10 बजे हम लोग निकले, फिर वहीं पे रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट किया और बस निकल चुके हैं। और धूप काफ़ी है एक्चुअली। लवासा ऐसी जगह है ना कि आप बारिश वगैरह के मौसम में जब आते हो ना, तब आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हो, सीनिक ब्यूटी बहुत देखने को मिलती है। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि धूप बहुत हो चुकी है, तो अभी हम लोग बाहर बाहर निकल निकल के नहीं घूमेंगे। ऐसे भी हम लोग रिलैक्स करने आए थे वीकेंड पे, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये वाला व्यू दिखाती हूँ डैम का, होप आपको अच्छा लगे। इधर देखिए हिल वगैरह आपको देखने को मिलेगा एंड इधर रोड है और ये आपका टी पॉइंट है एक, यहाँ पे आप रुक के चाय वाय पी सकते हो डैम के पास। और इधर देखिए ये व्यू, तो ये बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो कंक्रीट वाला जो बना हुआ है, ये है डैम। नदी तो ऑलमोस्ट लग रहा है यहाँ पे सूखी चुकी है ये वाली, मतलब नेचर के पास आप रहते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। रियल इट्स ब्यूटीफुल लवासा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए एक झोपड़ी टाइप का ये बना हुआ है यहाँ पे। ये सब आप जब बाहर बाहर निकलते हो ना तभी आपको ये सब देखने को मिलता है। इधर भी कुछ लगा हुआ है जूस वगैरह के लिए, आप देख सकते हो उधर। एंड ये पार्किंग ही एरिया है तो हमने यहाँ पर पार्क कर लिया है। ये देखिए पूरा व्यू है यहाँ से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। बट अभी बहुत धूप है तो मैं चलती हूँ गाड़ी में और हम लोग निकलते हैं और मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और ये है आदू, हाय। सो गाइस यहाँ पर एक अमरावल मिसल करके है, अमरावल मिसल करके है एक क्या बोलूँ मैं, ढाबा या फिर एक टी पॉइंट आप बोल सकते हो ये है। तो यहाँ पर लोग रुकते हैं, ऑटो जा रहा है, तो यहाँ पर लोग रुकते हैं स्नैक्स वगैरह के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। तो हमने तो पूरा अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, तो हमारा तो अभी बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का एंड धूप भी है। तो जो लोग शायद यहाँ से इधर से जाते हैं ना इस टाइम पे, जैसे 11-12 बजे गए, शाम को भी वापस आ गए पुणे, क्योंकि पुणे से आपको मतलब 1.5 से 2 घंटा लगता है यहाँ पर आने में, तो आराम से लोग मॉर्निंग में 9-10 बजे तक भी आते होंगे एंड फिर शाम को निकल जाते हैं, तो उस टाइप से चलता है। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे लोग बैठकर यहाँ पे अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं, बट हमें तो अभी घर जाना है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब आपको मिल जाएगा जो महाराष्ट्रियन फूड होते हैं, मिसल चाह, कॉफ़ी, वड़ा पाव, कांदा भाजी, पोहे, मैगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर खाने के लिए। इधर से देखिए ये व्यू, इधर से इस टाइप का आपको व्यू मिलेगा, तो बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइस हम लोग घर पहुँच गए हैं, इनफैक्ट अभी 4:30 हो चुका और हम लोग 1:30 बजे के अराउंड घर पहुँच गए थे और हाफ एन आवर हमें लग गया था। ग्रॉसरी शॉप पे भी हम रुके थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो वहाँ पर हम रुके थे एंड देन आफ्टर फिर घर आ गए। आदू सो चुका था बीच में ही, बट फिर घर आने के बाद वो उठ चुका है और अभी वो इतना खेल रहा है, अभी वो जस्ट अपने पापा के साथ रूम में ही है। और हमने लंच भी कर लिया, तो आने के बाद दूध दिया आदू को, फिर हमने लंच बनाया, लंच किया, तो ये सब में टाइम लग गया। तो अभी मैंने बोला कि मैं आती हूँ, आप लोगों से बात करनी थी और ये ब्लॉग एंड भी करना था, तो दैट्स वाई। और जहाँ हम लोग रुके थे ना सेलिब्रेशन लवासा, वो काफ़ी अच्छे था, प्रॉपर्टी अच्छी थी, 4-स्टार प्रॉपर्टी थी। बट अगर आप चाहो कि मतलब बहुत सारी अमेनिटीज़ आपको मिल जाए वहाँ पर, लाइक स्विमिंग पूल एंड ऑल अदर थिंग्स, तो वो सब नहीं था। जैसे कि एक और चीज़ था कि मैंने क्रिब मांगा था, तो उन्होंने बोला नहीं अवेलेबल नहीं है, बट इट्स ओके क्योंकि आप ना जाते हो लवासा आकर तो 1 नाइट स्टे ही करते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1 वीक के लिए जा रहे हो या ऐसा कुछ था, तो इट्स क्वाइट वर्थ इट। एंड सेलिब्रेशन का हमारा दोनों का चार्जेस मिला के टैक्स वगैरह इंक्लूड करके 2800 समथिंग लगा था। प्राइजेस हमेशा अप डाउन होते रहते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था बफेट, उसका 950 अलग से लगा था, तो हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करके और पहले ही से मतलब ऑनलाइन बुकिंग करके ही हम लोग गए थे वहाँ पर। और बस यही था, और रूम्स वगैरह क्लीन थे, सर्विस आपकी अच्छी थी, खाना भी ठीक था, तो बस यही था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोगों को जाना हो लवासा और अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग स्टे भी कर रहे थे और अच्छा था, इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा था वहाँ का, पार्किंग भी आपको अवेलेबल है, सेफ है वहाँ का पार्किंग आपका। तो बस यही है, और
एक्चुअली क्या है ना कि लवासा लोग जो जाते हैं मोस्टली अगर मॉनसून के टाइम पे जाते हैं तभी मुझे लगता है कि स्टे करते होंगे। अदरवाइज अगर इस टाइप के मौसम में आप जा रहे हो तो आप मॉर्निंग में निकलो और शाम तक घूमते फिरते, मतलब रात तक आप आ सकते हो वापस पुणे में अगर हो तो। एंड नहीं तो फिर अगर मतलब 1.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे तो मैप वगैरह देख कर जाना पड़ा था हमें, तो टाइम लग गया था थोड़ा सा। और या तो फिर शाम को भी लोग निकलते हैं और रात तक वापस आ जाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं अगर बच्चों के साथ स्पेशली आप जा रहे हो तो। वहाँ पे लेक साइड बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है लेक साइड। आदू ने वहाँ पे बेसिकली बहुत एंजॉय किया, तो बस यही है। और अब कल से फिर से हमारा वीक डे स्टार्ट एंड काम स्टार्ट। और बस अब मैं ये ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस। और ये अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू ऑल सून।